देखो चंदन, ये मेरे पास एक केस आया हुआ है सर के पास, TPM एरर का। तो ये फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये हमारा बैकअप फाइल है। जी सर। अब बैकअप फाइल के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, सबसे पहले एनालाइजर में इसको ओपन किया हूँ। जी तो हमारा क्या फैमिली दिखा रहा है, CSME का वर्जन 11 और अपना SQ क्या है, कंज्यूमर है। आपको ये चीज़ पता है? जी ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं, जो ये बैकअप फाइल आया ना, ये TPM एरर के लिए आया हुआ है, जो उनके क्लाइंट के पास से जो आया हुआ है, TPM एरर का प्रॉब्लम है। अब तो सुनो, मैं बताता हूँ इसमें प्रोसेस क्या है। डेल का जो आप बायोस बना के डालते हो, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया, मान लो नो डिस्प्ले आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, आपने बायोस बना के डाल दिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी जो प्रॉब्लम थी, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आएगी TPM एरर की, है ना। ये समस्या सबके साथ है, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन सब में ये समस्या है TPM एरर की। तो अब यहाँ पर बात यह आ जा रही है कि उस TPM एरर को हम कैसे सही करें, डिसेबल करें, मतलब वो एरर आए ही ना। अब इसमें क्या होता है ना, एक सॉल्यूशन है लोगों के पास, पुराना वर्जन का बायोस कर दो, नया बना के डाल दो, चला जाता है। लेकिन क्या होता है, जब बायोस अपडेट होता है ना, फिर से TPM एरर आ जाता है। तो अभी हम यहाँ पर वो ट्रिक देखेंगे कि बायोस अपडेट करने पर भी TPM एरर नहीं आए। अब देखो, सॉल्यूशन एक नहीं है, सॉल्यूशन अनेक है, है ना, अलग अलग रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के। यहाँ पर हम एक अलग रास्ता बता रहे हैं, कोई और कुछ बता सकता है, हम जो बता रहे हैं आपको एक अलग ही तरीके से बता रहे हैं। बताओ भाई, क्या बता रहे हो? तो हमने ये सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया, अब हम करेंगे ओपन CSME को, PITSI फाइल को ओपन करना है। सेम है जैसे क्लीन करते हैं ना हम, जी सेम ही क्लीन करना है, ओपन करना। अच्छा, इसका क्लीन एमी जो करेंगे तो इसकी क्लीन एमी की फाइल तो ले लेना, रिपोजिटरी। हाँ, वो ले चुका हूँ मैं, सिलेक्शन ले चुका हूँ। नहीं तो वो सेलेक्ट कर लिया, ले लिया। हाँ, वो सिलेक्शन सारा ले, ठीक है ठीक है, सिलेक्शन मैंने ले चुका हूँ। ये अपना आएंगे मेरा बैकअप फाइल ये है, ठीक है, बैकअप फाइल को ओपन कर लेंगे। ये ऐसा मेथड है ना भाई, दिल्ली में कोई नहीं सिखाएगा ये मेथड। अब देखो, सिंपल क्लोज करने के बाद फाइल सेव एज करने है, अनटाइटल के नाम से इसको आप सेव कर लोगे। सेव करने के बाद इसको कर दो। अब आ जाओ आप यहाँ पे डिकॉम फाइल पे, डिकॉम फाइल में हमारा क्या है, एमी रीजन, इसको रीनेम करना है। रीनेम करके बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद ये हमारा जो रेपोसिट्री है, ऑलरेडी मेरा रीनेम है, ठीक है, तो रीनेम को हमने रेपोसिट्री को रीनेम करके नाम दे देना है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, रिप्लेस, फाइल रिप्लेस हो गया। ओके, अब आ जाओ दोबारा, आ जाए फिर से ओपन कर लो। आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, बिट सेटिंग में जाना है, और आपको जहाँ पे पाथ देना है वहाँ पे आप पहले वो तो कर दो, इंटरमीडिएट जनरेट इंटरमीडिएट फाइल्स तो कर दिए थे। कर लेता हूँ, कर लिया था सर, आई थिंक नहीं। अच्छा, ओपन कर लेते हैं अनटाइटल फाइल को जो हमने सेव किया था, उसको कर लेते हैं। फिर करना है हमें बिल्ड सेटिंग में पाथ देना है। हाँ, ये चीज़ तो हमको पता है, ये आ गया। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, रीनेम दे सकते हो, आउट इमेज TPM एरर डिसेबल लिख दो ना सीधा। ठीक है, सेव कर लिया आपने, इसको कर दो क्लोज यहाँ से, फाइनली बिल्ड कर दो, पता है बिल्ड इमेज कर देना है, यस कर दो, बस ये फाइल, बस इतना ही है। ध्यान रखना जो मैंने बताया था प्लेटफॉर्म, देखो क्लीन एम ही करना है, लेकिन उसमें बस एक मेथड यहाँ पर उल्टा पलटा करना है, बस उसी से आपका हो जाएगा। बाकी आपको ये पता है, चेक करना है हमारा क्या ऑटोमेटिक फाइल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर क्लीन का मेथड चेक करोगे आप,
कॉन्फ़िगर आ गया, कॉन्फ़िगर आ गया 11.6, ठीक है, कंज्यूमर लिया था। अब हम ये क्लाइंट को टीपीएम एरर वाली फाइल क्लाइंट को देंगे हमें, और ये एरर दो सॉल्व। जब इसको राइट करोगे ना, ये जो बायस फाइल हमने बनाई ना, इसको आप राइट करोगे, टीपीएम एरर आपका नहीं आएगा। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है टीपीएम एरर को हटाने का, है ना। हमें मतलब ये भी नहीं है कि नया बायोस बनाना, ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है, है ना, कि अब इसके लिए भी एक नया बायोस बनाए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे टीपीएम एरर दिख गया ना, वहाँ पे इस तरह का प्रोसेस ले लो, आपका टीपीएम एरर का केस सॉल्व हो जाएगा। क्यों सिखा रहे हैं बताओ, टीपीएम एरर सिखाते नहीं है, कोर्सेस में नहीं आता टीपीएम एरर कैसे डिसेबल करें, रूटीन कोर्स में नहीं है, क्यों सिखा रहे हैं पता चल गया ना। हाँ अभी भी नहीं समझ पाए हाँ ये कोर्स में नहीं है, बायस एडिटिंग के कोर्स में नहीं है टीपीएम एरर डिसेबल करना, जो एक्स्ट्रा क्योंकि फ्रेशर बंदा जो है, हाँ उसको नहीं, उसके लिए नहीं है ये। अभी क्लाइंट क्या करेगा, अपना राइट ये आप सर्विस सेंटर ट्रेनिंग ले रहे हो, उसीलिए आपको ये बता रहे हैं ये चीज। चलो हो गया, आपको दे दिया सर। मेरा नाम भी किस नाम से देख लो, LCIT टेलीग्राम, नाम बदल उसका, नाम बदल लो, लिखो सुबोध सर टेलीग्राम करो, सुबोध सर ही लिख दूंगा ना सीधा।